हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक अच्छा गांजा रैकेट को पकड़ा है। टोटल 114 केजीज का गांजा पकड़े गए हैं। तो ये काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के बाजू पार्सल ऑफिस के नजदीक ये पकड़ा गया है। इसमें टोटल 7 लोग हैं। तो एक्चुअल क्या है कि ये 7 लोग ये गांजा को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए हैं। इसमें मेन है ये एक बालाजी गोविंद नाम का। तो वो इंटीरियर एरिया आंध्र उड़ीसा बॉर्डर इंटीरियर एरिया से जो लोग गांजा कल्टीवेट करते हैं उन लोगों से पैकेट्स में ये लाते हैं। लाके ये वहां पे मतलब नरसीपट्टनम ऐसे एरिया को लाता है। इनको ये लाने में ये प्रकाश और मोहन राव ये दोनों हेल्प करते हैं। हेल्प करके वहाँ प्लेन एरिया में लाने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद एक हरिप्रसाद है जो इन लोगों से वहां से लेके या मतलब आगे कस्टमर्स को ढूंढने के लिए उनको ये मदद करता है। तो ये हरिप्रसाद को ये रमना और गंगाधर लालम गंगाधर ये तुल गंगाधर ये लोग यहाँ के कस्टमर्स को ढूंढने के लिए मदद करते हैं। तो इस हिसाब से 7 लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए थे। तो इसमें अगर देखे तो ये 4 लोगों के ऊपर गोविंद प्रकाश मोहन और हरिप्रसाद के ऊपर प्रीवियस केसेस है एपी में। और एक मोहन राव के ऊपर काउंटरफिट करेंसी का भी केस है यहाँ पे शमशाबाद पीएस से। तो ये लोग काफी 3 साल से है मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीरियड। मोहन राव 2016 से है, गोविंद 2019 है और बाकी लोग भी हैं। तो यही गांजा का धंधा करते रहते हैं। तो इन्हें आज इंफॉर्मेशन से एचडीओ टीम हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग टीम और काचीगुड़ा पुलिस दोनों मिलके इनको पकड़े गए थे। तो पकड़कर उनसे पूछे तो उनके कन्फ्यूजन में ये सब बाहर आया है। अभी टोटल ये माल अराउंड 50 लैक्स का है। तो ईच अभी पैकेट 2 केजीज का है। तो ये पैकिंग भी वही पर करते हैं। पैकिंग करके अराउंड 56 पैकेट्स जैसे है, 2 to 2.5 ऐसा रहता है। ओके, तो टोटल 114 केजीस मिला है। तो इनके पास ये सेलफोन्स ये सब भी लिए हैं। इनसे अभी आगे हमारे हैदराबाद में किन किन को ये लोग सप्लाई कर रहे हैं उनसे वो और आगे क्या हो रहा है यहाँ पे वो सब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट करेंगे। वही हमने बोला ना ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है वहां से ये लोग ला रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके। एक ट्रेन हो सकता है, एक लॉरी में अभी ये ट्रेन से लाए बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से वो लोग ला रहे हैं। इंफॉर्मेशन से ही हम पकड़ रहे हैं इन लोगों को। ऑप्शन बोले तो है, वहां पर भी एक्शन हो रहा है, वहां पर गवर्नमेंट भी सीरियस है। तो इस हिसाब से अभी देखे तो आपको सिटी में मतलब इतना एक कंज्यूमर से उत्साह नहीं मिल रहा है। हमारे टास्क फोर्स भी और लोकल पुलिस भी पकड़ रही है गांजा को। उनके पास सिर्फ 100 ग्राम को थोड़ा थोड़ा मिलता है पैकेट्स, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्या है कि अगर ज्यादा है तो पकड़ लेंगे बोल के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस हिसाब से उनको भी डर है, लेकिन क्या है कि सोर्स जो है वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल हो तो होगा। और इसमें और एक बात क्या है कि अगर हमने पकड़ा तो भी, पेडलर्स को पकड़ा तो भी, जो कंज्यूमर है वो वहां तक जाके ले आ रहा है वो भी है। मतलब थोड़ा डेस्परेट हो रहे ये गांजा कंजम्पशन होने के बाद, क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकली ये हेल्थ को इफेक्ट करता है। डेस्परेट होके वहां पर जाके ओडिशा को जाके या एओबी के वहां पे जाके, और इफ नॉट थोड़े लोग नागपुर में है वहां पर जाके ये लोग ला रहे हैं ऐसा है। कितने मालूम क्या है, किलो 500 को 100 ग्राम पैकेट बेचते हैं ऐसा रहता है। अभी तो 7 जने हैं इसके यहाँ पे। हमारे हैदराबाद में कौन कौन है ये हम फाइंड आउट करेंगे अभी। ओके।